नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबर के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं, पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। विगत 40 वर्षों से ग्राहकों का प्यार और विश्वास। बाबा टेक्सटाइल आपके लुक को बनाए आकर्षक और स्टाइलिश। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। खूब श्रद्धा और सम्मान से जयंती पर याद किए गए महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, कई अन्य गतिविधियां भी हुई संचालित, सभी स्थानों पर इन्हें किया गया नमन। गावा में गौ मांस तस्करी करने वाले युवक के स्वजनों को मुस्लिम समुदाय ने किया सामाजिक बहिष्कार। मुखिया कन्हाई राम की उपस्थिति में हुई बैठक, एक आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। हुट्टी बाजार हटिया के पास बकरा बेचने के लिए आए युवक पर पुलिस ने बरसाई लाठी, घायल हुआ युवक, सदर अस्पताल में चला इलाज। और नवरात्र की सप्तमी पर विभिन्न पूजा मंडप में खुला मां का पट, श्रद्धालु की उमड़ी भीड़। वैदिक मंत्र उच्चार के साथ की गई मां की प्राण प्रतिष्ठा, भक्ति भाव में डूबा रहा शहर। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई स्कूल मकतपुर में रविवार को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह उत्साह पूर्वक मनाई गई। इस जयंती समारोह की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा ने किया, जबकि समारोह मुख्य अतिथि पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी थे। इस जयंती समारोह में पूर्व विधायक शाहबादी ने दोनों महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश की ये दो महान विभूतियां त्याग और सादगी के परियाचक थे। एक ने अपनी अहिंसा को हथियार बनाकर ब्रिटिश सरकार को झुकाने का काम किया और भारत को आजादी दिलाने का काम किया, तो दूसरे महापुरुष ने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर भी अपनी सादगी से अमिट छाप छोड़ी। उनके कार्यकाल में भारत ने पाकिस्तान पर अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। अंत में उन्होंने कहा कि ये दोनों महापुरुषों के जीवन को अपने ऊपर आत्मसात करने की जरूरत है। यह जयंती समारोह के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह का समापन दिवस पर लोगों ने गांधी जयंती के अवसर पर खादी भंडार से खरीदारी करने का काम किया। इस जयंती समारोह में जिला महामंत्री संदीप डंके, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, नगर उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, हबलू गुप्ता, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मोतीलाल उपाध्याय, प्रदेश ओबीसी मोर्चा कार्य समिति सदस्य संत कुमार लल्लू, अनूप सिन्हा ओबीसी मोर्चा के महामंत्री उमा चरण पहाड़, दीपक सोनकार, वीरेंद्र वर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष संगीता सेठ, संजीत सिंह, पप्पू चैताली पाठक, उषा कुमारी, संतोष गुप्ता, मनोज संगही, प्रकाश दास, ज्योति शर्मा, समीर राज, गोविंद तुरी, महेश्वर सिंह, रुपेश वर्मा, संजीव सिंह, फूलो यादव आदि दर्जनों भाजपाई मौजूद थे। अपने महान पथ प्रदर्शक नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले ऐसे हमारे दिवंगत शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है और हम सभी इस रानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में उपस्थित होकर के इनकी जयंती समारोह पूर्वक हम लोग मना रहे हैं और इस जयंती के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे नगर के यशस्वी मेहनती मंडल के अध्यक्ष बग्गा जी। इस कार्यक्रम में आपने अभी जिनका संबोधन सुना, रोड में स्थित कंप्लीट एसी मॉल पी बाजार में त्योहारों के शुभ अवसर पर महिलाओं, युवतियों, पुरुषों व बच्चों के लिए कपड़ों की भरमार और बिल्कुल न्यू कलेक्शन उपलब्ध है, साथ में उपहारों की बौछार। जी हां, हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। यहां महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, स्कर्ट, जीन्स से लेकर नाइटी तक उपलब्ध है।
पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, ट्राउजर वगैरह। युवतियों के लिए हॉट पैंट सेट, फ्रॉक टॉप स्कर्ट व जीन्स, और बच्चों के लिए शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, बाबा सूट उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ तरह तरह के गिफ्ट आइटम, टॉवल, स्कूल बैग, बच्चों के लिए गेम, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स जैसे ढेर सारे आइटम उपलब्ध हैं। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ करें जमकर खरीदारी और पाएं तरह तरह के उपहार। पी बाजार का पता साहेबराम सीताराम दुकान के बगल में, मेन रोड गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाए और भी सुंदर, जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग, यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस, जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदोरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्क्यूटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहां ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदोरी रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित न्यू मुस्कान फैशन में त्योहारों के मौसम में एक्सक्लूसिव और फैंसी कपड़ों की भरमार है। यहाँ महिलाओं और युवतियों के लिए लहंगा, कफ्तान सूट, नायरा सूट, शरारा, गरारा, पटियाला सूट, प्लाजो, जीन्स पैंट, गाउन, फ्रॉक, क्रॉप टॉप, फ्रॉक लहंगा वगैरह मिलता है। वहीं पुरुषों के लिए कॉटन पैंट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, कुर्ता पजामा आदि मौजूद है। वहीं बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक पैंट शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, फंकी जीन्स, माउस कट जीन्स, कुर्ता पजामा, और बच्चियों के लिए बार्बी डॉल फ्रॉक, क्रॉप टॉप, फ्रॉक लहंगा, जीन्स पैंट टॉप, स्कर्ट टॉप, जंप सूट, डंगरी सूट वगैरह उपलब्ध है। और साथ ही शादी विवाह के लिए यहाँ शेरवानी, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर और वास्कोट भी उपलब्ध है। तो अपने मनपसंद खरीदारी के लिए हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू मुस्कान फैशन, वारसिया मंजिल, स्टेशन रोड, गिरिडीह। गामा बाईपास रोड से बीते दिन प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार युवक के स्वजनों को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा रविवार को मुखिया कन्हाई राम की उपस्थिति में बैठक कर सामाजिक बहिष्कार किया गया है। वहीं इस घटना को लेकर समाज के लोगों ने कड़ी निंदा की है और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। अकलियत वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी वहाब खान ने कहा कि इस घटना के बाद पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोग द्वारा घृणित नजरों से देखा जा रहा है, जिससे पूरा समाज बदनाम हो रहा, जबकि उक्त परिवार के लोग यहाँ के दामाद हैं, उनका घर मंझने है। ऐसे में गामा अंजुमन कमेटी द्वारा आरोपी के परिवार वाले को सामाजिक बहिष्कार किया गया है। वही घटना में अन्य संलिप्त लोगों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा इसमें कोई भी निर्दोष व्यक्ति ना फंसे, इस पर प्रशासन द्वारा हर एक बिंदु पर जांच करने का आग्रह किया गया है। कहा कि जब तक उनके परिजनों द्वारा उनके अन्य घर के सदस्यों को बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक समाज से वे लोग बाहर ही रहेंगे। बैठक में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी, अयूब खान, रहमत अली, मोहम्मद समीम खान, फंटूस खान, अहमद खान, मोहम्मद काशिम, सफीक अंसारी समेत कई उपस्थित थे। कल हमारे गांव पंचायत में प्रबंधित मांस को लेकर एक मजने के लोग थे, एक व्यक्ति जिनको प्रशासन ने गिरफ्तार भी किया,
और आज उसी संदर्भ में लेके हमारे गाँव पंचायत के मुस्लिम समुदाय के सारे लोग एकजुट होकर आज हम लोग बैठे, और बैठने के बाद यह निर्णय लिया गया कि वैसे लोगों पर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई हो, और जिस घर के परिवार थे उस घर को भी समाज से बायकॉट किया गया। और बायकॉट इसलिए किया गया कि भाई उस तरह का घटना में किसी को बताए नहीं, इसलिए उनको समाज के द्वारा बायकॉट किया गया। और हम लोग जब से गाँव में हैं, हम लोग दोनों समुदाय हम लोग एक दूसरे के त्यौहार में बहुत अच्छा से मिलजुल के हम लोग निभाते हैं और निभाते रहेंगे। चूँकि एक जो गलती किया है उस पर ज़रूर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसके लिए हम लोग कहीं से कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को निर्दोष को अगर फंसाया जाता है तो वो गलत है, इसका हम भी विरोध करते हैं। चूँकि जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो, इसके लिए हम लोग सब मिल के उनके दोषी के लिए जो भी मांग करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। 2022 को जो घटना प्रतिबंधित मांस को लेकर मतलब घटना जो घटी, उससे गांवा मुस्लिम समाज मरमाहत महसूस कर रहा है अपने को, और इसलिए गांवा मुस्लिम समाज के लोगों ने एक बैठक करा। समाज के लोगों के बीच में जो दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का मांग के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों से भी उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। बाकी समाज के लोगों से भी, अन्य समाज के लोगों से भी अपील है कि गाँव के पूरा मुस्लिम समाज दोषी इस कार्य में नहीं है, और आपसी सौहार्द बनाए रखा जाए जैसे पहले जैसे हम लोग रह रहे थे उसी हिसाब से। जो गलती करने वाला पर्सन है वह मंजिल निवासी है, वो गाँव निवासी नहीं है, और वह यहाँ का दामाद है, और इस तरह का घटना किया इसके लिए पूरा गाँव समाज जो है सो मरमाहत महसूस कर रहा है। इसलिए आप लोगों प्रशासन के से मेरा अपील है और समाज के अन्य वर्गों से भी अपील है कि जो दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग सब उस साथ। बैठक में क्या प्रस्ताव लिया गया? बैठक में प्रस्ताव लिया गया कि जो दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग प्रशासन के साथ भी हैं और समाज के अन्य वर्ग के साथ भी। दूसरा है कि अगर इस तरह जिस घर परिवार का वो दामाद है उस परिवार को सामाजिक गामा अंजुमन से सामाजिक बायकॉट हम लोग कर दिए हैं उसको, कि तब तक सामाजिक बायकॉट रहेगा जब तक वह समाज के बीच में इस तरह का दोबारा गलती नहीं करने का मतलब पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं देगा, तब तक हम लोग उसको समाज में उसको किसी तरह का कोई सहयोग उसको नहीं करने जा रहे हैं, या शादी हो या ब्याह हो या मिलाद हो या किसी भी तरह का उसका सामाजिक कार्य जो है उसको उसका हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। और तीसरा है कि जो इस तरह का घृणित कार्य में अगर कुछ संलिप्त भी पाया जाता है तो वैसे परिवार पर भी हम लोग अंजुमन के लोगों ने उसको 10,000 रुपया फाइन के साथ उसको कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग खुद उसको प्रशासन के पास उसको मतलब के सूचित करेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बद्दीहा के रहने वाले युवक को रविवार को हुट्टी बाजार में पुलिस ने जमकर पीटा। घटना में युवक घायल हो गया और उसका इलाज सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि प्रकाश विश्वकर्मा के 22 वर्षीय बेटे एकलव्य कुमार को पुलिस वालों ने बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। बताया गया कि अपने घर से एक बकरा लेकर उसे हटिया में बेचने आया हुआ था। इस दौरान यह परिषदन भवन के पास अपनी बाइक खड़ा करके रोड क्रॉस कर रहा था, जिसके बीच वहां पर जाम लग गया। मौके पर जाम हटाने के लिए पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल चालकों पर डंडा बरसाया। बताया गया कि इसे बकरा लेकर हटिया के अंदर जाने को कहा गया, लेकिन जब यह हटिया के अंदर जाने लगा इसी क्रम में इसके साथ एक पुलिसकर्मी ने जमकर मारपीट कर दी। घटना में इसके हाथ और पेट में काफी चोटें आई, जिसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। युवक ने कहा कि यह आर्मी की तैयारी कर रहा है, ऐसे में अगर उसका हाथ पैर टूट जाता तो उसके करियर पर असर पड़ता है। इसने एसपी को आवेदन नगर थाना के पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत करने की बातें कही। वहाँ पर मेरा नाम एकलव्य कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? गप्पे बड्डीहा। कौन सा थाना पड़ता है? मुफस्सिल थाना। क्या मामला, क्या हुआ था? मामला ये हुआ था, हम पाठा लेकर आए थे हड्डिया बेचने के लिए और बाहर परिसदन भवन के पास रखे थे, और कुछ पब्लिक बोलने लगा अंदर हटिया वाला कि इसको अंदर ले चलो, उधर अंदर बेच देना, इधर बाहर में ले रखो, जाम लग जाएगा। उसके बाद कुछ देर बाद पुलिस वाला आया, उसके बाद उस जाम वाले के कारण वो बोलने लगा अंदर ले जाओ। जब हम अंदर ले जाने चालू किए तो लाठीचार्ज चालू कर दिया और 10-12 घंटा मारते हुए और हाथ में भी मारा और सूजन हो गया पूरा, और मेरा हाथ काम भी नहीं कर रहा। कहाँ कहाँ मारा था?
दिखाइए थोड़ा कहाँ का हमारा। ये मेरा हाथ में यहाँ पे लगा हुआ है, ना ऊपर हो रहा, नीचे थोड़ा सूजन हो गया, अच्छा से उठ भी नहीं रहा मेरा हाथ। और कहाँ मारा? और पेट में मारा है 8-10 घंटा। कब की घटना है ये? ये घटना 12:30 बजे कम से। कौन मारे थे, कुछ नाम पता कुछ नहीं? नाम उसका देख नहीं पाए, लेकिन कंबाइंड वर्दी JPS था, 1 स्टार। पुलिस वाला मारा? हाँ पुलिस वाला मारा। इस बात की सूचना थाना में दी है आप लोग? नहीं, और हम आर्मी का एग्जाम भी, फिजिकल और मेडिकल फिट है, मेरा एग्जाम भी है, अगर मेरा हाथ टूट जाता तो क्या करते इसके विषय में। नवरात्रि के सातवें दिन रविवार को स्टेशन रोड के सुरु सुंदरी समेत विभिन्न देवी मंडपों और पूजा पंडालों में मां का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इस दौरान सबसे पहले भेल भरनी की पूजा आराधना की गई, जिसके बाद मंदिरों और पंडालों में स्थापित मां की प्रतिमा का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा किया गया। पंडितों व आचार्यों द्वारा देवी देवताओं का आह्वान कर पुष्पांजलि किया गया, साथ ही नव दुर्गा के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की गई, जिसके बाद महाआरती की गई। पंडालों और मंदिरों में पाठ और भक्ति गीत से गूंज रहे हैं। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही विधि विधान के साथ पूजा शुरू हो गई। दुर्गा मंदिर में महिलाओं और युवतियों ने शाम को दीप जलाकर मां दुर्गा की पूजा व आरती की। कई श्रद्धालु घरों में कलश स्थापित कर पूजा कर रही है। शहर के सुरो सुंदरी इंस्टीट्यूट एकेडमी में बंगलुरु स्थित मशहूर साइकिल प्योर अगरबत्ती द्वारा तैयार किए गए लगभग 6 फीट लंबा 4 किलो वाली अगरबत्ती जलाकर मां दुर्गा की विशेष आराधना पूजा की गई। कंपनी के निदेशक अर्जुन गंगा राव ने बताया कि इस विशेष अखंड ज्योति के आयोजन के लिए झारखंड में गिरिडीह को भी चयनित किया गया है, जिसके तहत आज इस अखंड ज्योति को जलाकर मां की आराधना की गई। इसके अलावा शहर के विश्वनाथ मंदिर, शास्त्री नगर, पुराना जेल परिसर, अलकापुरी, वन विभाग कार्यालय बोड़ो, पचम्बा, बनियादी, सिहोड़ी, सेंट्रल पीठ, पपड़वाटार समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूजा पंडालों को काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया। वहीं श्रद्धालु हर जगह मां के पूजन दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल महाअष्टमी को विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ेगी। इसको लेकर विभिन्न पूजा समितियों की ओर से विशेष व्यवस्था किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा करने में परेशानी ना हो। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौक चौराहा और पंडालों के पास पर्याप्त मात्रा में महिला व पुरुष जवानों की तैनाती की गई है। वहीं कंट्रोल रूम से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन ने जिले वासियों से शांति माहौल में पूजा करने की अपील की है। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। वरीय अधिकारी भी घूम घूम कर गश्ती कर रहे हैं। बीके टेक्सटाइल में लड़कियों के लिए लोटस ब्रांड का बहुत ही आकर्षक शरारा गरारा गाउन क्रॉप टॉप उपलब्ध है। इसके अलावा खुशी मार्ट, पचम्बा, संजय टेक्सटाइल, जमुआ, प्रभुराम, चंदूरी, सूर्या ड्रेसेस भरकट्टा में उपलब्ध है। दुकानदार भाई, लोटस ब्रांड के होलसेल खरीद के लिए संपर्क करें। बीके टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। द फाइब्रोस 4X सीरीज इज मोर देन जस्ट अ स्विच, इन फैक्ट इट्स द मोस्ट फैशनेबल स्टेटमेंट इन योर वार्डरोब, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change?
The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Siam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cable. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड गिरिडी. पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है. इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना डेंटल इम्प्लांट द्वारा, दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है. तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं. 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध. हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल मेन स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है. एम्स, सीएमसी वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयां यहां उपलब्ध है. साथ ही यहां कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं. झारखंड के प्रसिद्ध डायबिटीज रोग विशेषज्ञ अजय पटवारी प्रत्येक माह में एक दिन अपने मरीजों को देखते हैं. नस व मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखने आती है. कोलकाता फोर्टिस के प्रसिद्ध हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप्तो बंदोपाध्याय प्रत्येक माह अपने मरीजों का इलाज करते हैं. स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा शर्मा प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवा देती हैं. तथा दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक अपने मरीजों का इलाज करते हैं. अग्रिम नंबर लगवाने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या विजिट करें. हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह. टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा. सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है. इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है. यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है. साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है. इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है. स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है. 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है. ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें. पता टाउन थाना के पीछे धरियाडी गिरिडीह. चंबा गिरिडीह. गांडे थाना क्षेत्र के मेदिनीपुर गांव में एक युवक ने विष पान कर लिया जिससे इसकी तबीयत बिगड़ गई और रविवार को उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. बताया गया कि अर्जुन यादव के 22 वर्षीय पुत्र उपेंद्र यादव ने विष पान कर लिया. हालांकि इसने विष पान क्यों किया इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया. पूछताछ से पता चला कि यह 2 साल से हैदराबाद में काम कर रहा था जिसके बाद कुछ दिन पहले ही घर आया था. हालांकि विष पान के बाबत पूछे जाने पर इसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया. फिलहाल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और इसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. नवरात्र की सप्तमी पर बरमसिया के विजय इंस्टीट्यूट में दुर्गा चालीसा का सामूहिक पाठ महिलाओं के द्वारा किया गया. बताया गया कि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ विचारधारा के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भरपूर मानसिकता को धारण किए हुए इस धरती पर अवतारित हो. सभी के उज्जवल भविष्य एवं दीर्घायु की कामना करते हुए दुर्गा पूजा में माँ से प्रार्थना की गयी. इस कार्यक्रम के संयोजक पूनम बनवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम 108 महिलाओं के बीच बिंदी सिंदूर दुर्गा चालीसा की पुस्तक व गायत्री परिवार के गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की पुस्तक प्रसाद के रूप में वितरित किया गया. इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से विजय इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र त्रिपाठी, विजय कुमार साहू, नागेंद्र कुमार, शैवाल घोष, पुतुलदा, अरुण कुमार गुप्ता, ब्रह्मदेव प्रसाद, अमित कुमार उपस्थित हुए.
आज महासप्तमी माँ के आने के खुशी में 108 बहनों के द्वारा दुर्गा चालीसा का सामूहिक रूप से पाठ किया गया। आरती वंदन के साथ माँ से प्रार्थना की गई कि माँ इस पूरे देश में जो संकट व्याप्त है उसे दूर करे और जन जन के मन में शांति संतोष का विचार उत्पन्न करो, ताकि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को प्यार और सहकार के साथ जीवन यापन करें। माँ दुर्गा सभी का मंगल कामना करें, सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी हों, सभी का भविष्य उज्जवल हो, इस मंगल कामना के साथ सभी बहनों ने सामूहिक रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ किया और इस आयोजन को सफल बनाने में विजय इंस्टीट्यूट के सभी पदाधिकारी भाइयों का बहुत ही सराहनीय सहयोग रहा, जिसके चलते ये कार्यक्रम सफल हो सका। जूट में नवरात्र के सप्तमी को है दुर्गा स्तुति का पाठ है विभिन्न महिला ग्रुप के द्वारा विजय इंस्टीट्यूट में किया गया है, और इसमें कार्यक्रम के आयोजन में श्रीमती पूनम बर्णवाल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मनीषा कलेक्शंस महिलाओं व युवतियों के लिए बहुत ही खास बुटीक, जहां उनके पसंद के कपड़े से लेकर श्रृंगार के सारे आइटम्स मौजूद हैं। जी हां, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास में स्थित मनीषा कलेक्शंस में शानदार बनारसी साड़ी, सिल्क, कोटा, तांत, शिफॉन, लिनन, कॉटन की सुंदर साड़ियों के अलावा लहंगा, फैंसी सूट, प्लाजो, ब्लाउज, नए डिजाइन की कुर्ती, पैंट, लेगिंग्स, वन पीस, गाउन, नाइटी, दुपट्टा के साथ साथ मेकअप के सारे ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। फास्ट ट्रैक सनग्लासेस, ब्लू कट कंप्यूटर ग्लासेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का फुल रेंज, गुड लुकिंग बैग्स एंड पर्स के अलावा बहुत कुछ मिलता है। तो इस खास बुटीक में महिलाओं और युवतियां अवश्य पधारें और अपने पसंद की खरीदारी करें। पता नोट कर ले, मनीषा कलेक्शंस, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास, बरगंडा, गिरिडीह। पचम्बा के हटिया रोड में स्थित सिटी स्टाइल व सिटी फैशन में युवतियों, बच्चों और पुरुषों के लिए फैंसी कपड़ों की भरमार है। सिटी स्टाइल में युवतियों के लिए बहुत ही आकर्षक जीन्स टॉप, कैपरी, प्लाजो, गरारा, पैंट, पजामा, स्कर्ट, टॉप, कुर्ती वगैरह उपलब्ध है। वहीं बच्चों के लिए जीन्स शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, डेनिम शर्ट, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा। वहीं सिटी फैशन में पुरुषों के लिए स्पार्की, जॉनसन, फ्लू ऑन जैसी कंपनियों के जीन्स शर्ट, टी शर्ट, कोट पैंट, टाई, साफा, बंडी, ट्राउजर, फॉर्मल, पार्टी वेयर शर्ट वगैरह उपलब्ध है। तो सिटी स्टाइल का पता हटिया रोड पचम्बा और सिटी फैशन का पता मेन रोड बगड़िया धर्मशाला के सामने पचम्बा गिरिडीह। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबा टेक्सटाइल पर। अब मगतपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहां ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपके पसंद का। साथ ही यहां के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, टीडीओ जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा मेन रोड इंदिरा कॉलोनी के सामने मगतपुर गिरिडीह। मगतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें, हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में मकतपुर गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम,
नव निर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोर्ट रोड गिरिडीह। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में रविवार को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गयी। इस अवसर पर सभागार में बापू और शास्त्री जी की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह, वरीय शिक्षक मुन्ना कुशवाहा, शिक्षिका पापिया सरकार, सपना कुमारी शर्मा, प्रवीण मोहम्मद अख्तर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद और बाल संसद के पदाधिकारियों ने उन्हें नमन किया। इस अवसर पर यहां सड़क सुरक्षा को लेकर छात्राओं के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में करीब 50 छात्राओं ने सड़क सुरक्षा और आज के दौर में युवाओं का सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाह रवैया को लेकर चित्र बनाया, जिसमें वर्ग नवम की निधि कुमारी, विद्या कुमारी, संगीता मिश्रा और वर्ग दसम की रोहिणी परवीन की पेंटिंग को सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया। उल्लेखनीय है इसको रोड सेफ्टी सेलिब्रेशन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है, जहाँ जिला स्तर पर उसका चयन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गांधी जी का प्यारा भजन रघुपति राघव राजा राम कारे प्रशाल में शस्वर पाठ किया गया। मौके पर शिक्षक पुलेज मरांडी, गीता कुमारी सिन्हा, अमृता कुमारी, कुसुम कुमारी, अमरेश कुमार सहित पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित था। सदर प्रखंड के सिकदारडी पंचायतों में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रतिनिधियों ने उन दोनों महापुरुषों के तस्वीर पर माल्या अर्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलने की बातें कही। सिकदारडी पंचायत के मुखिया जमीना खातून मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा ने अपने पंचायत सचिवालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया और उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। वहीं करहरबारी पंचायत के पंचायत सचिवालय में मुखिया सहारा खातून मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुमताज ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाया। मौके पर पंचायत सचिवालय के पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और ग्रामीण लोग मौजूद थे। इधर पिंडाटाड़ पंचायत सचिवालय में भी मुखिया पुष्पा देवी व मुखिया प्रतिनिधि विश्वनाथ वर्मा ने पंचायत सचिवालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाकर दोनों महापुरुष को नमन किया। आज सिकदारडी पंचायत भवन में हम लोग महात्मा जयंती मना रहे हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है और आज ये संकल्प लिए कि हम लोग आज साफ सुथरा के इसमें जो निकलेंगे एक घंटा के बाद स्वच्छ भारत के मिशन जो इनका महात्मा जी सपना को पूरा करेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान एक बहुत सोने सुहागर भी मिले हैं जो महात्मा गांधी का देन है। आज राष्ट्रीय पिता भी हैं, बापू कहलाते हैं महात्मा गांधी, और अभी हम लोग ने महात्मा गांधी का जन्म मनाए सिकदारडी पंचायत भवन। गावा ब्लॉक मोड में प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़े गए युवक मोहम्मद सरफराज को पुलिस ने रविवार को गिरिडीह जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर इसे पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार युवक मंजने मोहम्मद कलीम मियां उर्फ भूता के घर से मंजने निवासी मोहम्मद सरफराज प्रतिबंधित मांस लेकर अपने ससुराल गाँव आ रहा था, जिसकी भनक गावा थाना प्रभारी को मिली, जिसके बाद थाना प्रभारी ने ब्लॉक मोड़ के पास स्कूटी के साथ उसे पकड़ लिया, जिसके बाद सरफराज के सूचना पर थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने मजिस्ट्रेट गंगाधर पांडे के साथ मंजने गांव मोहम्मद कलीम मियां और भूता के घर पहुंचे, जहां मोहम्मद कलीम मियां और भूता अपने घर में ताला लगाकर फरार हो गया था। छापेमारी के दौरान खून लगा हुआ तराजू, गमला व सीढ़ी पर मांस का एक टुकड़ा पाया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि 114/22 के तहत तीन लोगों को आरोपी बनाया गया, वहीं मोहम्मद सरफराज को जेल भेज दिया गया है।
75 साल बेमिसाल, गिरिडीह के लोगों का प्यार और विश्वास के कारण ही 75 वर्ष पुराना न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर को झारखंड में नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इन त्योहारों में कुछ और बेहतर करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं खुशियों भरी बम्पर दिवाली ऑफर। इसमें होगी उपहारों की बौछार। जी हाँ, हर खरीद पर आपको मिल सकता है 5 से 10 निश्चित उपहार। इसके अलावा लकी ड्रॉ खेला जाएगा, जिसमें आपको मिल सकता है 1 स्प्लिट एसी, 1 43 इंच एलईडी टीवी, 1 रेफ्रिजरेटर, 1 वॉशिंग मशीन, 1 32 इंच एलईडी टीवी, 20 मिक्सर ग्राइंडर, 1 कूलर और भी बहुत कुछ। एलईडी टीवी पर 3 से 10 साल तक की वारंटी। यहाँ दुनिया के बेहतरीन 55 इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इस विशाल रेंज में आप अपने पसंद को चुने, वो भी ऑनलाइन या मार्केट से सस्ते दरों पर। यहाँ डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 5 से 20% तक का कैशबैक मिल सकता है। यहाँ आप बजाज फाइनेंस, पाइन लैब, पेटीएम, HDFC, HDB, TVS, बिनो द्वारा आसान मासिक किस्तों पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें और बम्पर ऑफर का लाभ उठाएं। पता, न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर, काली। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगवार, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टेरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता, काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारे। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह, बड़ी चौक, गिरिडीह। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सरकार के आदेशानुसार रविवार को गांधी प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बताया गया कि सरकार के आदेशानुसार 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर हर पंचायत भवन में विशेष ग्राम सभा का आयोजन करना सुनिश्चित था। इसी के मद्देनजर गांधी प्रखंड के अहिल्यापुर पंचायत भवन में पंचायत मुखिया पंचम देवी के नेतृत्व में जहां विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, वहीं पर्वतपुर, कुंडलवादा, ताराताड़ आदि अन्य पंचायतों में भी संबंधित मुखिया के नेतृत्व में गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपिता बापू की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाकर विनम्र श्रद्धांजलि देने के पश्चात विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित पंचायत के उपमुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सभी वार्ड सदस्य सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बताया गया कि गांधी जी का जीवन अहिंसा, सद्भावना, प्रेम, शांति के प्रति समर्पित रहा। इस कार्यक्रम के मौके पर अहिल्यापुर मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, GRS मोहम्मद, राशिद वार्ड सदस्य फिरोज हाजरा, ताणाताड़, कुंडलवादा मुखिया मोहम्मद कादिर, उपेंद्र कुमार वर्मा, GRS मंचू मोदी, ताणाताड़ मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार नितिश गोस्वामी, कैलाश मोदी, राजदीप रवानी, रामदीप रजक, मोहीलाल, शक्ति भटानी, जितेंद्र हाजरा, मिथुन हाजरा, मिच्छू सिंह सहित पंचायत संबंधित जनप्रतिनिधि एवं दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे।
भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह के साथ शनिवार देर रात तक झूमे गिरिडीहवासी। बड़ा चौक रोड के गार्डन ब्लू होटल में दैनिक जागरण की ओर से शनिवार को डांडिया नाइट्स कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भारी संख्या में गिरिडीह के लोगों ने अक्षरा सिंह के साथ खूब झुमके लगाए। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत कई विधायक व जनप्रतिनिधि और शहर के गणमान्य लोग शामिल थे। यहाँ भोजपुरी के सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने अपना जलवा बिखेरा। यह कार्यक्रम टफकॉन टीएमसी के सौजन्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। देर रात तक कार्यक्रम में लोग झूमते मौज मस्ती करते नजर आए। कार्यक्रम की सफलता में दैनिक जागरण परिवार के प्रमोद चौधरी, मृत्युंजय सिंह, ज्ञान ज्योति, मुजतबा समेत अन्य लोग लगे हुए थे। वही स्पॉन्सर परिवार टफकॉन टीएमसी के एमडी मोहन साव, निदेशन सूरज गुप्ता, ब्रांड हेड हिमांशु आदि की भी उपस्थिति रही। हमारे विधायक साथी गिरिडीह भाई सोमन जी, हमारे बड़े भाई केदार हाजरा विधायक जी और सम्मानित इस कार्यक्रम में उपस्थित सीजन साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब और इस कार्यक्रम में आए सम्मानित गिरिडीह के सभी नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज मैं भाषण देने नहीं आया, आपका कार्यक्रम देखने आया। इसलिए भाषण का दिन भी नहीं, डांडिया प्रोग्राम का मुक्त उठाइए और कार्यक्रम बढ़िया से देखिए। पहली बार हमको लगता है डांडिया का कार्यक्रम पूरा नहीं, जल्द बात करो अपनी बढ़कर समाप्त करते हुए साहब, जमुआ के लोकप्रिय विधायक केदार हाजरा साहब यहां उपस्थित, पीडीजी मैम, सीजीएम साहब, हमारे जिले के एसपी साहब और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र दैनिक जागरण का समूह, जिसने नवरात्र के मौके पर इतने बेहतरीन कार्यक्रम से गिरिडीह वासियों को एक खुशी देने का काम किया है। मैं टफकॉन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं और जिनके वजह से ये इतना खूबसूरत कार्यक्रम धरातल पर उतर पाया है। तो एक बार पुनः माँ भगवती की का ध्यान करते हुए इन नवरात्रों में माँ भगवती की कृपा आप तमाम पर बनी रहे। माँ भगवती इस नवरात्र में आपकी हर इच्छा को पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप तमाम लोग जो यहाँ पधारे हैं, जो महिलाएं यहाँ आई हैं, हमारे शहर के वासी जो यहाँ आए हैं, आज इस डांडिया नाइट का लुत्फ उठावें और माँ भगवती की आराधना निश्चित रूप से फलदायी हो। पूजा के अवसर पर श्री संजीव टेक्सटाइल लेकर आया है आपके पसंद का बेहद खास कलेक्शन। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी साड़ियाँ व आकर्षक लहंगा, पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, कोट पैंट के ब्रांडेड कपड़ों पर लेटेस्ट कलेक्शन, साथ ही शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जीन्स शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर वगैरह उपलब्ध है। युवतियों के लिए फैशनेबल शरारा, गरारा, नाइटी, गाउन, टॉप स्कर्ट, जीन्स का विशाल संग्रह है। इसके अलावा बच्चों के लिए जीन्स शर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट मिलता है, साथ ही साफा, जूती, ब्रांडेड टाई वगैरह उपलब्ध है। तो आप सब परिवार पधारे और एक ही छत के नीचे करे जमकर खरीदारी। पता याद रखें, श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह।
को फील देने वाला गांधी चौक स्थित बहुत ही खूबसूरत द रॉयल डाइनिंग एंड बैंकवेट में आप स्वाद से भरपूर व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन चाइनीज कॉन्टिनेंटल खाने का वेज और नॉन वेज व्यंजन परोसा जाता है। खाने पर 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस यहाँ के अल्ट्रा मॉडर्न बैंकवेट हॉल में पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह, बिजनेस मीटिंग, सेमिनार वगैरह का आयोजन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल कर अपना ऑर्डर दें। द रॉयल डाइनिंग एंड बैंकवेट का पता SDFC बैंक के ऊपर, गांधी चौक, गिरिडीह। दुनिया में मोबाइल की अग्रणी कंपनी वीवो का एक्सक्लूसिव स्टोर स्टेशन रोड की शाह मार्केट के निकट स्थित है। यहाँ वीवो का लेटेस्ट मॉडल से लेकर हर प्रकार के वीवो का मोबाइल उपलब्ध है, वह भी मार्केट से 5-10% सस्ते दर पर। साथ ही आप यहाँ वीवो का ओरिजिनल एसेसरीज ले सकते हैं। यहाँ आप लाइव डेमो देखकर पूरी तरह जांच परख कर मोबाइल खरीद सकते हैं। यहाँ बजाज फाइनेंस, TVS फाइनेंस व होम क्रेडिट फाइनेंस के द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आप स्वैप मशीन द्वारा यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो वीवो का शानदार मोबाइल खरीदने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर शाह मार्केट के निकट स्टेशन रोड, गिरिडीह। बेंगाबाद के छोटकी खरकडीहा पंचायत सचिवालय में मुखिया सुनीता देवी की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र की ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें छोटकी खरकडीहा में भारतीय स्टेट बैंक स्थापित करने एवं छोटकी खरकडीहा पंचायत क्षेत्र में शराब से अकाल मृत्यु, छोटकी खरकडीहा को वार्ड रोड REO से हस्तांतरण कर PWD में कर अभिलंब निर्माण कार्य प्रारंभ करने की मांग के साथ ही बाल विवाह रोकने पर जोर दिया गया। मौके पर पंचायत के विकास के लिए एक दल का गठन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से निवर्तमान मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा, उप मुखिया मुस्तकीम अंसारी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि शमसुद्दीन अंसारी, वार्ड सदस्य सुभाष राणा, रहीम अंसारी, रोजगार सेवक पूरन पंडित, हकीम अंसारी, रजाक अंसारी, हुसैन अंसारी, छोटे लाल दास, भागीरथ प्रसाद साव, जहूर मिया, इस्लाम अंसारी, रमेश कुमार वर्मा, किसुनदास दाऊद अंसारी, सुनीता देवी, पूनम देवी, कुमारी प्रतिमा वर्मा, मिस्टी देवी, सरिता देवी, कविता देवी, सगुप्ता रोशन, तेबुन निशा, सवीना विधि, विश्वनाथ राजवार आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह की ओर से रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती गांधी चौक पर मनाई गई। इस दौरान उनकी प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्या अर्पण करते हुए उन्हें नमन किया गया। मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रेरणा लेते हुए सेवा कार्य करने हेतु संकल्प लिया गया। इस बाबत भाजपा नेता विनय सिंह ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर लगातार भाजपाइयों के द्वारा कई सराहनीय कार्य किए गए। इसी के तहत आज गांधी, बापू और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्प लिया गया। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए महात्मा गांधी द्वारा बताए गए सत्य और अहिंसा मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला कोषाध्यक्ष सह कार्यक्रम प्रभारी मुकेश जालान, रवि पाचक, मनोज जालान, वासुदेव सिन्हा, राजेश सिन्हा, धर्मेंद्र राय, आशीष कुमार, राहुल तांती, तिवारी जी, शैलेंद्र कुमार सिंह, सुमित सिमटकार, रंजीत कुमार, राजेश पाठक सहित कई लोग मौजूद थे। अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। उस अवसर पर अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गांधी चौक गिरिडीह में आकर के गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर कर करके देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्प लिए। साथ ही
देश के यशस्वी ने के अनेकों कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी क्रम में आज गांधी जी के जयंती पर माल्यार्पण कर कर करके उनसे हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं, इनको सत सत नमन करते हैं। और सभी भारतीय जनता पार्टी के साथी जो है प्रत्येक जगह पूरे जो झारखंड राज्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को पुनः मैं सत सत नमन करता हूं। प्रणाम, जोहार आप सभी को। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के कार्यकर्तागण गांधी चौक पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पे माल्यार्पण करके उनकी जयंती को मना रहे हैं। और साथ ही साथ ये पूरे देश भर हवा देना है, तो आज हम सभी लोग उनके गांधी जी के बताए हुए मार्गों पे सत्य और अहिंसा को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं फिर से आप सभी देशवासियों को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करती हूँ। उनको सच्ची हम सभी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बहुत सारी आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं रहती हूँ। जय। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम दुधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इम्पोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरियंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किलोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। सीओटी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, सीआर मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, एसी, नॉन एसी, केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में सीओडी, गिरिडीह। त्योहारों के मौसम में उपहारों की बौछार। जी हाँ, बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक 10,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे एक स्क्रैच कार्ड, जिसमें आप जीत सकते हैं 10,000 तक का निश्चित उपहार। साथ ही उसी स्क्रैच कार्ड से लकी ड्रॉ खेला जाएगा, जिसमें प्रथम भाग्यशाली विजेता को मिलेगा 1.5 टन का एसी, द्वितीय विजेता को वॉशिंग मशीन और तृतीय विजेता को कूलर दिया जाएगा। यहां बिना डाउन पेमेंट के 0% ब्याज पर फाइनेंस की सुविधा है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट करने पर वोल्टास आपको देगा 15% कैश बैक। जल्दी कीजिए, ये सुनहरा मौका 17 सितंबर से 7 नवंबर 2022 तक। विश्व की उच्च स्तरीय तकनीक से निर्मित वोल्टास द ब्रांड शॉप के उत्कृष्ट उत्पाद हैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, एयर कूलर, माइक्रोवेव, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर। तो जल्दी करें, मौका हाथ से छूट न जाए। पता नोट कर ले, श्री सम्मति इंटरप्राइजेज, वोल्टास द ब्रांड शॉप, बुलेट शोरूम के ऊपर, बड़ा चौक, गिरिडीह। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो आईसीआर रोड में बैंक ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। आईसीआर रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक एस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, आईसीआर रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह।
खूब श्रद्धा और सम्मान से जयंती पर याद किए गए महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, कई अन्य गतिविधियां भी हुई संचालित, सभी स्थानों पर इन्हें किया गया नमन। गावा में गौ मांस तस्करी करने वाले युवक के स्वजनों को मुस्लिम समुदाय ने किया सामाजिक बहिष्कार, मुखिया कन्हाई राम की उपस्थिति में हुई बैठक, एक आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। हुट्टी बाजार हटिया के पास बकरा बेचने के लिए आए युवक पर पुलिस ने बरसाई लाठी, घायल हुआ युवक, सदर अस्पताल में चला इलाज। और नवरात्र की सप्तमी पर विभिन्न पूजा मंडप में खुला मां का पट, श्रद्धालु की उमड़ी भीड़, वैदिक मंत्र उच्चार के साथ की गई मां की प्राण प्रतिष्ठा, भक्ति भाव में डूबा रहा शहर। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज़।